अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा चैनल उर्दू ग्रामर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रेजेंट बाय ज़ेबुन्निसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम माई चैनल उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर पाँचवा लेक्चर। क़वाइद ग्रामर उर्दू पाँचवा लेक्चर। इसम मारफा की इकसाम। नंबर एक इसम अलम। नंबर दो इसम ज़मीर। नंबर तीन इसम अशारा। नंबर चार इसम मसूल। तो ये इसम मारफा की इकसाम है। इसम अलम। इसम अलम से मुराद वो इसम है जो किसी शख्स के ख़ास नाम को ज़ाहर करें। इसम अलम कहलाता है, जैसे ज़ोक, अबुल कासम, शायर मशरिक वगैरह। ये इसम अलम की इकसाम है। इसम ज़मीर। इसम ज़मीर से मुराद वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए। इसम ज़मीर कहलाता है, जैसे ये, वो, इस, उन वगैरह। ये सब इसम ज़मीर की मिसालें हैं। इसम अशारा। इसम अशारा से मुराद वो इसम है जो किसी चीज़ की तरफ अशारा करने के लिए इस्तेमाल हो। इसम इशारा कहलाता है, जैसे ये, वो, इस, उन वगैरह। यहाँ पर ये, वो, इस, उन वगैरह इसम अशारा की मिसालें हैं। इसम मसूल। इसम मसूल वो इसम है कि जब तक इसके साथ कोई जुमला या फिक्रा ना मिलाया जाए वो कुछ माना नहीं देता। इसम मसूल कहलाता है, जैसे जो, जिस, जैसे और जिन्हें वगैरह। इसमें जो, जिस, जैसे और जिन्हें वगैरह इसम मसूल की मिसालें हैं। तो डियर क़वाइद ग्रामर उर्दू में इसम मारफा की इकसाम का पांचवा लेक्चर ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह कल छठे लेक्चर में मिलते हैं। अपनी मेज़बान से मुसाफ़ की इजाज़त दीजिए। मेरा चैनल उर्दू ग्रामर को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू लेटर टुमारो। फ़ी अमान अल्लाह। टेक केयर।